और बीजेपी ने उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। और साथ ही आपको बता दें कि यूपी में होने वाले उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। 10 में से 9 सीटों पर लड़ने की तैयारी की गई है। मीरपुर सीट आरएलडी को देगी बीजेपी। बीजेपी के बड़े नेता चुनावी सीटों के दौरे भी कर रहे हैं और कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचेंगे और कल ही महामंत्री संगठन धर्मपाल गाजियाबाद के खैर पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कुंदरकी दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मझुआ और फूलपुर का दौरा करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करहल और शीशाबाऊ सीट का दौरा करेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन हो रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और बीजेपी के कई जो बड़े चेहरे हैं वो अलग अलग सीटों पर पहुंचेंगे, बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाएंगे, साथ ही बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तो बीजेपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एक सहयोगी संगठन को दी गई है सीट। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलग अलग जगह पर बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी के क्या उपलब्धियां रही हैं बीते सालों में उसको भी जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संकेत, लोकसभा में हमने देखा कि बीजेपी को एक भारी झटका लगा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश पूरी की जा रही है। ऐसे में कई बड़े चेहरे अलग अलग जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, बताइए क्या जानकारी है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अब उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे लगातार जो सीट है उपचुनाव की वहां पर चुनावी व्यू सजा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पहुंचेंगे मिल्कीपुर, जो कि अयोध्या की विधानसभा सीट है, वहां पर उपचुनाव होना है। और महामंत्री संगठन धर्मपाल गाजियाबाद की खैर सीट पर पहुंचेंगे, कल ही वो पहुंचेंगे वहां पर और वहां पर बैठ के करेंगे और साथ में जो पार्टी संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे, चुनावी व्यू सजाएंगे। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी दोनों डिप्टी सीएम ऐसी सीटों का दौरा कर रहे हैं और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर, ये 10 दरअसल विधानसभा की सीटें हैं उपचुनाव की, इनमें 9 सीटों पर खुद लड़ने की तैयारी में है। और अगर बात की जाए मीरापुर सीट की तो वो आरएलडी के कोटे में भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई है देने के लिए, लेकिन 9 सीटों पर बीजेपी अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरेगी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया संकेत आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां पर शारदा नदी का कहर जारी है। यहां दुर्गा मां मंदिर और साथ ही एक मकान नदी में समा गए हैं। मामला लखीमपुर खीरी के विजवा ब्लॉक के नयापुरवा गांव से सामने आया, जहां पर इन दिनों शारदा नदी ने कटान तेज कर दिया है और गांव के बाहर बना दुर्गा माता मंदिर और साथ ही एक मकान देखते ही देखते शारदा नदी में समा गया। वीडियो वायरल हो रहा है, न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर जब नदी में मकान समा गया और दूसरी तस्वीर जब देखते ही देखते मंदिर नदी में समा गया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों का पानी अब रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी ने संगम के आसपास के कई मठ मंदिरों और साथ ही आश्रमों को अपनी आगोश में ले लिया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमीरपुर की, जहां पर ओलावृष्टि से बर्बाद हुई 84 किसानों की फसल के मुआवजे की रकम दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो गई है। एसडीएम ने इसे हैकर्स की करतूत बताते हुए साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और एसडीएम सदर ने करीब 16 लाख रुपए दूसरे खातों में जाने की बात स्वीकार की। और आपको बता दें कि पिछले साल 53 गांव के किसानों की फसल नष्ट हुई थी, इसके बाद में किसानों को मुआवजा मिलना था और जिले के लगभग 14,000 किसानों को तो आपदा राहत की राशि मिल गई, मगर 84 किसान अब भी परेशान हैं। साइबर हैकरों का जाल लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो आम जनता के साथ ये लोग ठगी करते थे, अब अधिकारियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला है हमीरपुर जिले का, जहाँ के सदर एसडीएम पवन कुमार पाठक की आईडी हैक करके एक बड़ा जो है घोटाला किया है साइबर हैकरों ने, जिसमें ओला बेचते किसानों को मिलने वाली राहत धनराशि को उन्होंने दूसरे खातों में ट्रांसफ़र कर दिया। लगभग 84 ऐसे किसान हैं जिनकी धनराशि उनको मिलनी थी, ओला बेचते जो किसान को मुआवजा मिलना था उसकी धनराशि को उन्होंने गोरखपुर और महाराजगंज जिले के लोगों के खातों में ट्रांसफ़र की है।
हालांकि एसडीएम ने इसमें इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है और विवेचना चालू करा दी है। लेकिन इतनी बड़ी ठगी में जाल में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि एक लेखपाल के माध्यम से रिपोर्ट लगती है और उसके बाद वो कंप्यूटर में चढ़ने जाता है और इतनी बड़ी हैकिंग में एक लोग नहीं होंगे, इसमें कई लोग शामिल होंगे। ये परत दर परत खुलेगा कि इसमें कौन लोग शामिल थे और किस पर गाज गिरेगी। उमा शंकर मिश्रा, न्यूज 18 के लिए हमीरपुर। तो करीब 16 लाख रुपए गलत अकाउंट पे ट्रांसफर हो गए हैं और साथ ही इसको लेकर जांच भी की जाएगी। उमा शंकर हमारे साथ में सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उमा शंकर, क्या ये हैकर्स की करतूत है या लापरवाही है? फिलहाल पूरे मामले को लेकर जो अभी तक जांच हुई है उसमें क्या खुलासा हुआ है? देखिए, एक मुकदमा दर्ज कराया है एसडीएम सदर पवन कुमार पाठक ने, जिसमें ये तहरीर देकर के जिसकी तहरीर में पड़ी है उसमें लिखा है कि लगभग कई किसान ऐसे थे जिनकी बार रात आपदा के तहत ओला बेस्ट हुई थी, उसके तहत जो राहत राशि मिलनी थी तो वो राहत राशि को हैकरों ने हैक कर लिया और वो दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए। उसमें जिक्र ये भी किया गया है कि जो हैकर हैं, जिन खातों में ट्रांसफर हुई वो ज्यादातर गोरखपुर और महाराजगंज के रहने वाले हैं, उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। अब हालांकि इसमें ये पता नहीं चल पा रहा है अभी, क्योंकि जांच का विषय है, इसमें साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है बाकायदा और इसमें वादी जो है वो एसडीएम सदर ही है। तो उसमें जो क्राइम इंस्पेक्टर है, जो साइबर है के जयशंकर सिंह, उसकी जाँच कर रहे हैं। तो इसमें अभी ये बिंदु अभी सामने नहीं आ पाया कि इसमें कौन कौन लोग शामिल, लेकिन एक बड़ी प्रक्रिया होती है इसमें, किसानों से खतौनी ली जाती है जिनके किसानों के खेतों में ओलावृष्टि हुई है, जिनकी फसल नष्ट हुई है, और खतौनी लेने के बाद उसमें लेखपाल सत्यापन करता है, खाता संख्या लेता है, फोटो लेता है और उसके बाद कंप्यूटर में अपलोड होती है, उसके बाद जो है खाता संख्या में किसानों के पैसा आता है। तो ऐसे 14,000 किसान है जिनके खातों में लगभग पैसा आ चुका है। 84 किसान ऐसे जो शेष रह गए थे, तो ये उनका खाता संख्या बदल करके हैकरों ने काम किया है। तो अभी इसमें ये बिंदु समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती है, यानी कि जांच के बाद ही पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और कन्नौज से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर खड़े ट्रक से मिनी ट्रक टकरा गए, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल हो गया है जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। गुड़सहायगंज में नेशनल हाईवे 31 पर हादसा हुआ, तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी मिली है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और साथ ही इस पूरे हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। खबर कुशीनगर से है, जहां पर पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार किया। बदमाश पर कई थानों में 5 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों के पास से 2 अवैध देसी तमंचा और 4 कारतूस बरामद किया गया। शाजापुर पुलिस ने भी एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। बदमाश पर थाना खुटार में केस दर्ज है, जिसके चलते पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मामला थाना खुटार का है, जहां पुलिस ने उदयपुर गांव से बलविंदर को गिरफ्तार किया। और अब खबर झांसी से है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला का शव घर में खून से लथपथ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मामला पूंछ थाना क्षेत्र के बावई गांव का है, जहां महिला घर में अकेली रह रही थी। बावई गांव में पुलिस को सूचना मिली 112 के माध्यम से कि धनती देवी नामक वृद्ध महिला, जिसकी उम्र लगभग 60 साल है, वो घर में अकेली रहती थी। उसका शव उसके कमरे में पड़ा हुआ है, जिस पे धारदार हथियार के निशान हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा साथ ही साथ जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।